कर्नाटक के मैंगलोर जिला उटबी में आए चक्रवात ताउते में 6 दिन से लापता जिला कांगड़ा के जिक्कड़ का पवन कटोच माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। चक्रवात ताउते में 6 दिन से लापता जिला कांगड़ा के जिक्कड़ गांव के पवन कटोच के परिवार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पवन कटोच अंडर वाटर सर्विस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। 15 मई को कंपनी द्वारा उन्हें समुद्र में काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वापसी पर उनकी नाव पलट गई, जिसके बाद पवन कटोच को का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पवन कटोच के लापता होने से जहां परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं उनकी मां सलोचना व पत्नी मोनिका का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पवन के संबंध में जानकारी मुहैया करवाने का आग्रह किया है। परिवार सदस्यों का आरोप है कि जब चक्रवात के संबंध में 2 दिन पूर्व एडवाइजरी जारी की गई थी, इसके बावजूद कंपनी ने लापरवाही करते हुए पवन सहित उसके साथियों को समुन्द्र में काम करने भेज दिया। परिवार सदस्यों का स्पष्ट कहना है कि एक तो कंपनी द्वारा कर्मियों को सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, वहीं 6 दिन बीतने के बाद भी परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी गई। परिवार सदस्यों का कहना है कि कंपनी के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी बात नहीं हो पाई। पिछले कल कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि पलटी बोट को सीधा किया जा रहा है। परिवार सदस्यों का कहना है कि 6 दिन बाद कंपनी द्वारा पलटी बोट को सीधे करने की बात से स्पष्ट है कि कंपनी की ओर से किस कदर लापरवाही अपनाई गई है। गौरतलब है कि जिक्कड़ गांव के पवन कटोच 15 मई 2021 को पवन चंद कटोच अपने सहकर्मियों के साथ कर्नाटक के मैंगलोर जिला उटबी में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। उसे समुन्द्र में काम करने के लिए भेजा गया था और वापसी पर उनकी बोट पलट गई। तब से पवन कटोच का कोई अता पता नहीं है। पवन के माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को यह चिंता सता रही है कि उनका पवन किस हाल में होगा। पिता बोले, कंपनी के खिलाफ की जाए कार्रवाई। पवन कटोच के पिता जगरूप चंद कटोच का कहना है कि उनका बेटा अंडर वाटर सर्विस लिमिटेड में कार्यरत था। 15 मई से लापता मेरे बेटे के बारे में कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरा बेटा किस हालत में है, मुझे इसकी जानकारी दी जाए। मेरी केंद्र सरकार से यही गुहार है कि सीएम जयराम ठाकुर से आग्रह है कि मेरे बेटे के बारे में जानकारी जुटाने में हस्तक्षेप करें। मेरा बेटा पिछले 13 साल से कंपनी में कार्यरत था। 2 दिन पूर्व चक्रवात की सूचना के बावजूद कंपनी ने मेरे बेटे सहित अन्य युवकों को समुद्र में भेजा। ऐसे में कंपनी ने लापरवाही की है और जल्द मेरे बेटे का पता नहीं चला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो अंडर वाटर कंपनी सर्विस लिमिटेड में कार्यरत थे बम्बे। तो कब से लापता है? वो 14 तारीख से लापता है। 14 तारीख के बाद उनका कोई फोन नहीं आया। जिस कंपनी में वो सेवाएं दे रहे थे, उस कंपनी से भी आपने संपर्क किया है? उस कंपनी से उस कंपनी ने हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई भी उसके कोई भी कुछ नहीं बताया उसकी तरफ से, कुछ कंपनी की तरफ से कुछ। हमें आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? हाँ, कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर कुछ नहीं बता रहे हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जिस तरह से देखा जाए, अगर 14 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 14 तारीख के बाद आपके बात नहीं हुई है और जैसे कि बताया जा रहा है कि 15 मई से वो लापता है, 3-4 दिन 5 दिन का अरसा जो है बीत चुका है, इसके बावजूद कोई सूचना आपके पास नहीं पहुंची है, किस तरह की गुहार जो है सरकार से रहेगी, केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार की कहते हैं, मेरा मलाल ये है कि हमें शीघ्र से शीघ्र मेरे बच्चे के किस हालत में है, कैसा है, मुझे उसकी जानकारी दे। सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास नहीं किए जाते हैं, कोई सूचना आप तक नहीं पहुंचाई जाती है, तो आगामी क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह की? हम तो फिर प्रशासन से ही बातचीत कर सकते हैं या फिर मीडिया आकर हम इसे पूछ सकते हैं। जब आपका बेटा जो है लापता हुए थे, तब प्रशासन की ओर से या सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदा यहाँ पे आके आपको सूचित करने आए थे? ना, कल आए थे पठानिया
पुराने सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया हमारे लिए, वो पुराने आए थे कल जो रह चुके इसमें। अब जैसे हिमाचल के वो बेटे थे अब लापता है, तो हिमाचल सरकार से किस तरह के जो है डिमांड रहेगी आपकी? हिमाचल सरकार मेरी मतलब कि जल्द जल्द बच्चे का पता करके मुझे बताए कि क्या किस हाल में है बच्चा मेरा। तो कब से ये कार्यरत है कंपनी में? ये करीब 13 साल से कार्यरत है कुछ कंपनी में। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले ही सूचित कर दिया गया था कि तूफान जो है आने वाला है, उसके बावजूद आपके बेटे से अन्य लोगों को जो है समुद्र में भेजा गया, तो किस तरह देखते हैं? वो ये ताऊ तो जो वो तूफान था वो पहले से उसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट ने पहले कर दी थी 2 दिन पहले, पर उस स्पीड उसके उन्होंने फिर भी मेरे बच्चे को मतलब समुद्र में भेज दिया। इसमें क्या कंपनी की भी लापरवाही और देखी कंपनी है? की पूरी लापरवाही कंपनी की है इसमें नजर आती है। अगर जल्द आपके बेटे का पता नहीं चलता है, तो कंपनी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई के लिए आ कंपनी रहे के हैं? साथ अगर मेरे बेटे का जल्द से जल्द पता नहीं बताते हैं तो मैं फुल्ली कार्रवाई करूंगा। मैं यहां तक कि कोर्ट 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 के थ्रू भी कार्रवाई करने ही वाला हूं। सर क्या नाम है आपका? अनूप चंद कटोच, हाँ, जो पवन जी लापता है वो आपके क्या लगते हैं? भतीजे। तो किस तरह देखते हैं कि 6 दिन उनके उनको लापता हुए, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर जो है परिवार सदस्य को नहीं दी गई है? जी ये बिल्कुल सही है जी, हमें आधिकारिक तौर पर कंपनी की तरफ से, सरकार की ओर से, किसी ओर से भी कोई सूचना नहीं मुहैया कराई गई अभी तक तो किसकी लापरवाही मानते हैं? कंपनी की जी। इसके बारे में हमें अनऑफिशियली जब पता लगा था, ये जो पवन है इसके दोस्तों ने बता हमें टेलीफोन पे बताया था इसके फादर को कि वहाँ पे वो कंपनी ने इसको समुंदर में काम करने के लिए भेजा था बोट में, वो बोट जो है वो वापसी पर उलट गई है 15 तारीख को। फिर हमने इस कंपनी के परमजीत सिंह जस्सल हैं डाइविंग मैनेजर हैं उनसे, डाइविंग सुपरवाइजर हैं SS उनसे, रवि सक्सेना हैं इनके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इस UWSCL कंपनी लिमिटेड के, बार बार हमने टेलीफोन करके उनको बात करने की कोशिश की है लेकिन किसी ने भी हमारे साथ बात नहीं करी। तो कल कल हमारी इसके परमजीत सिंह से शाम को बात हुई है तो बताया वो भी सिर्फ एक बात 6 दिन के बाद कि जी हम उसको बोट को सीधा कर रहे हैं, हमारी सरकार से अपने न्यूज़ चैनल से यही गुहार है कि अगर वो बोट उलट भी गई है तो 6 दिन तक ये जो लिमिटेड कंपनी है ये क्या कर रही है, उसको सीधा क्यों नहीं किया गया? हमें उसके बारे में पहले तो इन्हें भेजना नहीं चाहिए था, सरकार ने 13-12 तारीख को ये बताना शुरू कर दिया था कि समुद्र में टाइड आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त टाइड आएगा, तो उसको ड्यूटी पर भेजना नहीं चाहिए था उसको, पवन को, उसके अन्य साथियों को जिस बोट में भेजा गया, तो कंपनी ने लापरवाही करके क्यों भेजा? और उसके लिए पूरी तौर पर ये जसवाल परमजीत सिंह जो जसल हैं ये डाइविंग मैनेजर जो है ये, और SS शंकर जो मंडल हैं ये मंडल ये डाइविंग सुपरवाइजर पूरी तरह जिम्मेवार है। मैं पर्सनल तौर पर आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार से ये गुहार करता हूँ कि ये पूरी तरह जिम्मेवार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो कम से कम उनके परिवार को, उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बूढ़े पिताजी हैं, उनको बताने की कोशिश तो करी जाए। आज तक हमें किसी भी तरह से, किसी भी किस्म से, किसी तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है।